बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़े की फ़िश बनाने जा रही हूँ, चिड़ा फ़िश बनाने जा रही हूँ। ये देखें आपके सामने है और ये कुछ इस तरह है। मेरे पास तकरीबन 8 किलो ये चिड़ा फ़िश है। ये देखें, ये इतने थे बड़े कट लगवा लिए। पहले इसको किया साफ़, सिरका लगा के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया सिरके और नमक के साथ। ये देखें, और कट लगा लिए इसको। तकरीबन 8 किलो है मेरे पास। और मैं बताती जाऊँ, मेरे पास 1 प्याली मैदा है, 2 प्याली मेरे पास बेसन है, और साथ मेरे पास 2 टेबलस्पून अजवाइन है, 2 टेबलस्पून नहीं सॉरी 4 टेबलस्पून मेरे पास खुशक धनिया है, जो कि इस तरह ये देखें बारीक नहीं है, ये कुटा हुआ खुशक धनिया है। और मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, 2 टेबलस्पून भर के पिसी लाल मिर्च है, और तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मेरे पास कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। नमक पहले ही लगाया था, नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है फिश में। और साथ मेरे पास फूड कलर है, ज़रदा रंग है, ये आप तकरीबन 1 टीस्पून ये डाल दें, कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब इसको हम मसाला, सबसे पहले मसाला बनाते हैं और मसाला इसको लगाते हैं। ओके जी, ये देखें, ये है मेरे पास लहसुन। तकरीबन कितनी गट्ठी थी मेरे पास लहसुन? 3 गट्ठी मेरे पास लहसुन की थी, और 1 प्याली मेरे पास इमली का रस था, जो इमली मैंने पहले से भिगोई हुई थी, और उसका जो पल्प है वो सारा मैंने हाथ से अच्छी तरह उसको करके इसके अंदर डाला है, और उसका बीज अंदर की जो गुठली है वो निकाल लें, उसके बाद लहसुन को और उसको अच्छी तरह चॉप कर लें। और ये सारे मसाले मैं एक जगह पर अब मिक्स करने जा रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये जो मैंने शेक किया है, इसको चॉप नहीं किया, मैंने शेक किया है। कोई बात नहीं, मैं गलत बोल जाती हूँ अक्सर, फिर समझ तो आ जाती है ना आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना इसका मसाला है सारा निकाल रही हूँ मैं। ये जो मकदार है आप कम कर दें इसी मसाले की जो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में दावत, चिड़ा दावत हो रही है आज, चिड़ा फिश दावत। इसमें क्या, खुशक धनिया, और ये देखें ज़ीरा पाउडर, साथ साथ नैला बर्तन धोई जा रही है, नैला बर्तन धोई जा रही है। ये देखें अजवाइन गई, नैला दांत मत निकालो, और ये सारे मसाले गए इसके अंदर। और इसके साथ मैदा 1 प्याली भर के, और ये बेसन, ये गया, कुछ रह तो नहीं गया, सारा कुछ ही हो गया। चलें जी, इसको हम करते हैं अच्छी तरह मिक्स, पानी डाल के, जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी। मैंने जग में डाला है जो लहसुन है और इमली का रस, जितना रह गया वो भी सारा ज़ाया ना जाए, कोई चीज़ ज़ाया ना जाए, हर चीज़ में बरकत होती है, किसी चीज़ को ज़ाया ना होने दिया करे अल्लाह ताला, आपके घरों में आपके खानों में बरकत दे। अभी पानी की और ज़रूरत है नैला बाजी, मुझे पानी थोड़ा सा और दें। फिश ज़्यादा इसलिए मैं पतीले में कर रही हूँ। तो मसाले को बहुत पतला नहीं करना, हमने स्विमिंग पूल नहीं बनाना, स्विमिंग पूल से हट के थोड़ा सा बनाएंगे मसाला। के साथ ज़बरदस्त सी चटनी बनाना सिखाती हूँ आपको। मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जितने नए देखने वाले हैं लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। प्लीज़ लाइक का बटन तो बनता है ना, थोड़ा सा और। ये है आपके सामने, ये देखिए किस तरह ये पेस्ट बनी है, ये देखिए ये आपके सामने है थिक। और मैं इसमें करती हूँ फिश को डिप। ओके जी, हम बनाएंगे अब, ये देखिए ग्लव्स, सबसे पहले ग्लव्स पहन ले, नहीं तो हाथ जो है ना बस बस क्या बताऊँ फिर। ये देखिए इस तरह थिक है, ये देखिए
ये देखो ठीक है, इसके अंदर मैं अब मसाला लगाती जाती हूँ और फिश जो है मैं इसके अंदर डालती जाती हूँ। अपने भाई बाजू बचा ले मेरे हाथ मसाले वाले। अच्छी तरह इसको हमने मसाला लगा के रख देना है, ओवर नाइट रख दें तो बहुत बेस्ट, क्या बात है, फिश ऐसे बनती है। लेकिन जाहिर है घर में मेरे हो रही है चिरा पार्टी। ये देखिए अच्छी तरह इसको करेंगे, ग्राइंडर चला दिया। अच्छा जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए क्या हालात हो गए। मिक्स करते करते इसके साइड वाले जो कांटे थे मुझे वो लगे हैं। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स करके मैं इसको छोड़ रही हूँ। जिस तरह के मैंने आपको कहा ओवरनाइट, बेशक इसको छोड़ दें, बेशक आप इसको 3-4 घंटे तो मस्ट है ना आप इसको रखें, तो मसाला अंदर तक, अगर फ़ौरन आप इसकी तलाई करेंगे तो मसाला इसके अंदर तक नहीं, फ़िश के अंदर तक जाएगा और फ़िश जायकेदार नहीं बनाएगी। तो चलें अब साथ इसको जितनी देर मसाला लगता है उतनी देर में आपको मज़ेदार सी चटनी बनाना सिखाती हूँ। अच्छा जी चटनी के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे पास आलू बुखारा था 1 कप, मेरे पास आलू बुखारा था जो कि मैंने रात को भिगो दिया। 1 कप थी मेरे पास इमली थी, वो भी मैंने रात को उसको भी मैंने भिगो दिया। और तकरीबन ये 1/2 प्याली मेरे पास लाल ये गोल वाली कश्मीरी मिर्च है, ये है मेरे पास। और तकरीबन 5 टेबलस्पून मेरे पास चीनी है, 1/2 टीस्पून मेरे पास फूड कलर है जर्दा रंग है, 1/2 टीस्पून ही मेरे पास नमक है। अच्छा जी ये इमली और आलू बुखारा मैंने जैसे कि आपको बताया कि रात को मैंने इसको भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसमें पानी जो इसका ही पानी था, अच्छी तरह धोने के बाद भिगोए इसका जो पानी था मैंने हाथों से उसको अच्छी तरह मसल लिया। ये देखिए इसका पल्प है, इसको मैंने और कुछ नहीं किया, ये थिक सा दोनों का ये पल्प है इस तरह, और मैंने इसका कुछ नहीं किया। बाकी का प्रोसीजर मैं आपके सामने कर, ये देखें मिर्चों को मैं पका रही हूँ। 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास पानी में ये जो मिर्चें हैं मैंने डाल दी हैं, ये देखें बॉयल होना शुरू हो गई हैं और मैं इनको थोड़ा सा पका लेती हूँ। पकाने के बाद मैं इनको अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी, फिर आपको बताती हूँ फिर मैं क्या करूँगी। उनको मैंने ब्लेंड कर लिया, अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद उनको मैं इसके अंदर ऐड करके इसको पकाती हूँ दोनों को इकट्ठा। चलें जी मिर्चें डाल दें, ये देखें ये जो ब्लेंड की थी मिर्चें ये सारी अच्छी तरह साफ करके जग के अंदर से इसके अंदर डाल दी, और जितनी बाकी सारे मसाले चीनी और फूड कलर और नमक ये गया। अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट थोड़ा सा पकाऊंगी, ठीक है। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला ये रेडी हो जाएगी। अगर आपको लगे कि ये थिक नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर के साथ थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाएगी और आपकी चटनी थिक हो जाएगी। लेकिन मैं चटनी थिक नहीं कर रही, पतली ही थोड़ी सी होती है, लिक्विड सा पतली पतली होती है। अच्छा जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चटनी, ये देखें ये इस तरह है। कॉर्नफ्लोर डालना हो तो आप डाल लें, लेकिन मैं नहीं डाल दी। देखें इमली का आलू बुखारे का पल्प भी इस तरह ही है, ये देखें कितना अच्छा कितना ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है और कलर भी इसका, और मैं इसको निकाल रही हूँ। अच्छा जी ये देखें 4 घंटे मैंने इनको रखा है और मैं इनको करने जा रही हूँ अब फ्राई। बिस्मिल्लाह डीप फ्राई करना है हमने, ऑयल पहले से ही गर्म था। चलें जी स्पून से ये फ्राई होने। ओके जी इसकी साइड चेंज करते हैं, काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो गया। ये कलर जो मैंने डाला था उसकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त कलर आया। मैं तकरीबन 1 मिनट इनको पका के फिर ऊपर से मैं इनको दबाऊंगी थोड़ा सा, इनका जो पानी है वो खुशक करूंगी। अच्छा जी ये देखें मैं अब 1 मिनट हो गया, ये देखें ठीक है, ये तकरीबन 1/2 kg का एक पीस है, 1/2 kg का, तो मैंने इसको अंदर तक पकाना है। मैं इस तरह इसको दबा रही हूँ अच्छी तरह, लेकिन कढ़ाई को रुमाल से पकड़ के रखें, ऐसे ट्राई ना कीजिएगा। ये देखें ये पानी इसके अंदर से निकला है, अब देखें ये बिल्कुल अच्छी तरह ये अंदर तक ये फ्राई होगा इंशाल्लाह। अब मैं इसको पकने के लिए फिर से छोड़ दूँगी। ओके जी मैं दोबारा से इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, दोबारा साइड चेंज करके मैं फिर इनको दबाऊँगी। अब तो पके हुए हैं ये नीचे से, अब मैं इनको दोबारा से चम्मच इस तरह का ले, देखें मेरे पास ऐसे चम्मच है, इसको मैंने खुद टेढ़ा किया हुआ है ये फिश बनाने के लिए।
फिश को नहीं करना पड़ता लेकिन इसको करना पड़ता है। अब बस इसी साइड को मैं पकाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अब आवाज़ उतनी नहीं आ रही कि ये पक गया, अंदर तक ये पक गया। देखो कितने सुकून से, इसका मतलब है कि ये अंदर तक फिश हमारी रेडी हो गई है। मैं थोड़ा सा इसको क्रिस्पी कर रही हूँ। अच्छा जी मैं निकाल रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें रेडी हो गए, मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखें मैं इनको डिश आउट करती हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल, ये देखें अच्छी तरह फ्राई होगी। कलर देखें इसका कितना खूबसूरत। रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।